राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं करड़ी सेना जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह बबलू ने अपने संगठन के सभी लोगों को उदयपुर चलने के लिए आह्वान किया। दिनेश सिंह ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरह से हमारे भाई की हत्या की गई, उसी तरह मात्र 10 दिन के अंदर अपराधियों को फांसी दी जाए। उदयपुर की घटना बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। मैं दिनेश सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी, अयोध्या से मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग उदयपुर के लिए कूच करें, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, यह निश्चित ही सोची समझी साजिश है और इसमें देश के प्रधानमंत्री को ललकारना, ये हम हर हिंदुस्तानी के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर समाज के लोगों के लिए ये चुनौती की बात है। मैं इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो खुल करके मैदान में आइए। चोरी छिपे, पीठ पीछे से वार, एक डरपोक और कायर लोग करते हैं। कन्हैया लाल की जिस प्रकार से हत्या की गई, यह दर्शाता है कि आप कितने कायर हो। मात्र कुछ लोगों ने देश को ऐसी परिस्थितियों में ला करके खड़ा कर दिया है कि जिसकी वजह से आज निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। एक हिंदू भाई को निपुल शर्मा का समर्थन करना कितना महंगा पड़ा कि आज वो परिवार पूरे देश की तरफ आंखें उठा करके देख रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एनआईए मात्र 3 दिन में जांच करके सुप्रीम कोर्ट में इसको दाखिल करे और जिस प्रकार से ये घटना हिंदुस्तान में हो रही है, जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, उसी प्रकार से मेरा हाथ जोड़ करके